आज हम द गर्ल नेक्स्ट डोर 2007 मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता है तभी उसके बगल से एक भिखारी गुजरता है और एक कार उसे ठक्कर मारकर चली जाती है। तब डेविड उसे CPR देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। डेविड का ये कहना होता है अगर उसे उस आदमी की जगह आने का मौका मिलता तो वो आ जाता, क्योंकि उसने ज़िंदगी में बहुत दर्द देखा है। वो घर जाता है और एक पेंटिंग देखता है जिसे देख 1958 का समर याद करता है जब वो एक छोटा बच्चा हुआ करता था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि डेविड ने ऐसा क्या देखा था कि जिससे उसे मौत से डर नहीं लगता। डेविड नदी के किनारे फिश पकड़ रहा होता है तभी वहाँ एक लड़की आती है मैग, जो उसके साथ फिश पकड़ने लगती है। डेविड उसके हाथ पर एक निशान देखता है और उससे उस निशान के बारे में पूछता है तो वो बताती है उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और उसकी छोटी बहन है सूजन जिसको पोलियो है और ये निशान उसी एक्सीडेंट का है। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और डेविड उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है तो मैग उसे बताती है कि वो अपनी आंटी रूट चांडला के घर रहने आई है क्योंकि अब उसका कोई नहीं है। डेविड इस पर कहता है कि तब तो हम नेबर हुए। मिस रूट चांडला एक सिंगल मदर होती हैं और उनके 3 बच्चे डॉनी, विली और राल्फी हैं। डेविड अपना ज़्यादातर वक्त चांडला के घर पर ही बिताता है क्योंकि रूथ के बच्चे उसके काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और रूथ अपने घर आने से भी उसको कभी मना नहीं करती। डेविड राल्फी से उसकी बहन मैग के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी स्टेप सिस्टर है और दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और उसे ये भी बताता है कि उसकी माँ कहती है अच्छा हुआ जो ये दोनों लड़कियाँ उनके घर आई हैं। उसके बाद ये दोनों पड़ोसी कुछ फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने जाते हैं जहाँ वो एक लड़की को ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और उसे इन्हें एप्पल से मारकर ढूंढना होता है। वो लड़की ये गेम हार जाती है तो वो लड़के उसे वल्गर क्वेश्चंस करते हैं पनिशमेंट्स के तौर पे। रात को डेविड मैग से मिलता है और दोनों झूला झूलने लगते हैं जहाँ मैग डेविड को बताती है कि रूथ कई बार उस पर गुस्सा करती है और उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है। नेक्स्ट डे डेविड रूथ के घर जाता है जहाँ वो उन लड़कों को बता रही होती है कि जब वो उनकी उम्र की थी तो वो कार्निवल में ऊंची उड़ान देखने जाया करती थी। रूथ ने अपने बेटों को पूरी आज़ादी दे रखी थी जैसे बियर पीना, बाहर जाना एक्सेट्रा, और मैग को घर ख्याल रखने को कहती है। रात को सारे लड़के कैंप में दिखते हैं और वो लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं चुपके से मैग को देखने के लिए, पर डेविड उनके खिलाफ होता है और वो एक पेड़ पर चढ़कर मैग को चेंज करते हुए देखते हैं और मैग लाइट बंद कर देती है। अगले दिन रूथ अपने लड़कों और डेविड को पेड़ पर लगे सेल फॉर्म हटाना सिखाती है, वो उन्हें जला देती है और मैग को भी ऐसा करने को कहती है बट मैग मना कर देती है। ये सुन रूथ उसे डांटती है और उसकी बहन के साथ कपड़े धुलने को कहती है। फिर डेविड शॉप पर जाकर अपने लिए बर्गर खरीदता है तो मैग वहाँ आकर उसके लिए भी बर्गर खरीदने को कहती है और बताती है कि उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है क्योंकि रूथ उसे खाने नहीं देती। और वो उसे बताती है पहले वो पेंटिंग किया करती थी पर अब रूथ की वजह से उसे पेंटिंग करने को नहीं मिलती। डेविड उससे उसके लिए एक पेंटिंग बनाने को कहता है। अगले दिन रूथ सूजन से कपड़े उतरवा रही होती है तभी एक कपड़ा नीचे गिर जाता है, इस पर वो सूजन पर बहुत गुस्सा होती है और डेविड हैरान हो जाता है। अगले दिन मैग डेविड के घर आती है और उसे एक पेंटिंग देती है। तब डेविड की माँ उसे उसके घर में आने को बोलती है तो वो मना करके चली जाती है और रात को डेविड रूथ के पास वो पेंटिंग लेकर जाता है कि ये मैग ने उसके लिए बनाई है। पेंटिंग देखकर वो समझ जाती है कि पेंटिंग उसके लिए नहीं बल्कि डेविड के लिए है तो वो मैग से पूछती है कि उसने क्या क्या डेविड को दिया है और बोलती है आजकल की लड़कियाँ बहुत बिगड़ गई हैं और उसे बहुत बुरा भला कहती हैं। रात को डेविड को आवाज़ आती है कि रूथ सूजन और मैग पर चिल्ला रही थी। अगले दिन डेविड रूथ के घर जाता है तो वो देखता है रूथ के 3 बच्चे मिलकर मैग को परेशान कर रहे थे। तभी रेल्फी मैग के चेस्ट पर मार देता है, इस पर मैग उसे जोर से थप्पड़ मारकर चली जाती है। तभी रूथ वहाँ आती है, सूजन को बाहर निकालती है जो वहाँ छुपी हुई थी और वो उसे पूछती है कि जब उसकी बहन ने रेल्फी को थप्पड़ मारा तो उसने क्यों नहीं रोका। तो सूजन बोलती है रेल्फी की गलती थी, तो रूथ कहती है गलती उसकी बहन की थी और उसने उसे नहीं रोका तो अब उसकी पनिशमेंट उसे मिलेगी। और वो उसे उल्टा लेटने को कहती है और उसकी फ्रॉक उठाकर उसे स्टिक से मारती है। तभी मैग आकर उसे माफ़ी मांगती है, इस पर उसे वार्न करती है कि अब से उसकी गलती की सज़ा सूजन को मिलेगी। फिर डेविड और रेल्फी आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो वो देखते हैं मैग एक ऑफिसर को सब बता रही होती है और रेल्फी ये बात अपनी माँ से बता देता है और उसकी माँ मैग को सूजन को बहुत डांटती है और विली मैग को एक थप्पड़ मारकर कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के पास जाने की। रूथ उसे कहती है यहाँ उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है और अब वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगी। अगले दिन लड़के बात कर रहे होते हैं मैग के साथ गेम खेलने के लिए लेकिन डेविड इसके खिलाफ होता है। रात को डेविड अपने डैड से चांदला के घर सोने की परमिशन मांगता है और उसके डैड उसे परमिशन दे देते हैं। डेविड जब रूथ के घर जाता है तो देखता है कि बेसमेंट में मैग को ब्लाइंड फोल्ड करके बांध रखा है और उसके पैरों के नीचे बुक्स रखी हैं। रूथ उसे कन्फेस करने को कहती है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पर मैग ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं होता इसलिए वो कुछ बताती नहीं। इस पर विली उसके नीचे की सारी बुक्स हटा देता है जिससे उसे स्ट्रगल होता है खड़े होने में। उनके अकॉर्डिंग ये गेम होता है जहाँ मैग को उन्हें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसके बाद विली उसके कपड़े उतार देता है और उसे कन्फेस करने को कहता है पर उसके पास कन्फेस करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी डॉनी उसे छूने जाता है, उस पर रूथ उसे मना कर देती है कि
कोई ज़रूरत नहीं है इस बदतमीज़ लड़की को छूने की। और रूट मैक से कहती है अगर वो बिहेव नहीं करेगी तो वो सुजन को उसकी जगह खड़ा कर देगी। ये सुन मैक डर जाती है और सब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो लड़के प्लान करते हैं बेसमेंट में जाकर उसे छूने के लिए। और वो नीचे जाते हैं और बिली उसे पानी के बदले उसे टच करने को कहता है। इस पर मैग हाँ कर देती है और पानी पीने के बाद वो उन्हें कहती है अगर उन्होंने उसे टच किया तो वो चिल्ला देगी और रूट आकर उन्हें डांटेगी। और ये सुन सब वहाँ से चले जाते हैं और डेविड मैग की रस्सी नीचे कर देता है ताकि वो ठीक से खड़ी रह सके। अगले दिन रूथ मैग को ब्रेड खाने को देती है पर वो उसे अटकता है तो मैग की चाय फेंक देती है और बोलती है अब उसकी बहन को पनिशमेंट मिलेगी। और वो उसकी बहन को रस्सी से मारती है। डेविड ये अत्याचार देख रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अगले दिन वो अपने डैड का हाथ बटाने के लिए बार में जाता है और उनसे पूछता है क्या उसे कभी एक लड़की पर हाथ उठाना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं अगर बात ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो वो ऐसा कर सकता है। वो सूजन के पास जाता है और कहता है कि वो इन लोगों को नहीं रोक सकता। और वो बेसमेंट में छिप कर जाता है और देखता है कि पड़ोस के सारे बच्चे वहाँ पर हैं और मैग को परेशान कर रहे हैं। जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो डेविड उसके पास जा रहा होता है तभी रूथ वहाँ आ जाती है और वो डर कर भाग जाता है। रात को डेविड अपनी माँ के पास जाता है सब बताने के लिए पर वो सो रही होती हैं तो वो चला जाता है। तो देखता है कि विली मैग को पिन से चोट पहुंचा रहा होता है और रूथ अपने सिगरेट से उसे जला रही होती है। तभी डोरबेल बजती है और वो अपने बच्चों को भेजती है आंसर करने के लिए। तो डेविड कहता है मुझे लगता है आपको जाना चाहिए तो शायद पुलिस भी हो सकती है। और रूथ उन्हें धमका कर जाती है और देखती है कि सच में पुलिस ही होती है। और वो मैग और सूजन के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है वो दोनों शॉपिंग करने गई हैं। और वो चला जाता है और उनके घर पर नज़र रखता है। और डेविड मैग से कहता है कि आज रात को वो पीछे का दरवाज़ा खोल देगा और वो वहाँ से भागकर पुलिस को सब बता दे। तब विली वहाँ आकर डेविड से पूछता है कि उसे कैसे पता दरवाजे पर पुलिस ही होगी। तो वो कहता है कि उसने गेस किया था। डेविड अपने घर से चाकू लाकर मैग को दे देता है और उसे वहाँ से भागने को कहता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। तो मैग उसे कहती है कि वो उस पैसे को छुपा दे जिससे वो भागते हुए वो पैसे ले लेगी। अगले दिन जब डेविड देखता है तब भी पैसे वहीं होते हैं और वो जान जाता है कि अभी भी मैग भाग नहीं पाई है। और वो रूथ के घर जाता है तो वो देखता है पड़ोस के सब बच्चे वहाँ हैं और रूथ अपने बेटे विली से मैग के साथ ज़बरदस्ती करवा रही होती है। और फिर रूथ सबको बताती है कि कल रात इसने भागने की कोशिश की थी और कोई और भी इसके साथ मिला हुआ है। अब रूथ डेविड को मैग के साथ ऐसा करने को कहती है तो वो मना कर देता है और कहता है आप बहुत गलत कर रही हैं। तो वो बोलती है कि अब तो मुझे बताओगे क्या सही है और क्या गलत। फिर वो कहती है मैग अभी भी किसी को ट्रैक कर सकती है इसलिए वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को जलाने लगती है। और फिर सब वहाँ से ये सब देख रहे होते हैं। डेविड वहाँ से जाने लगता है तो विली उसे पकड़ लेता है और डेविड बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर फिर जब डेविड होश में आता है तो अपने आप को बंधा पाता है और खुद को खोल के मैग और सूजन के पास जाता है। इस पर सूजन उसे बताती है कि मैग उसकी वजह से नहीं भागी क्योंकि वो जानती थी अगर वो भाग जाती तो ये सब मेरे साथ होता। डेविड उसके पास जाकर लेट जाता है और मैग डेविड से पूछती है क्या वो उसे हेट करता है। तो वो कहता है नहीं और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और बेसमेंट में पड़ी कॉटन को जला देता है। तभी रूथ नीचे आती है और डेविड उसे बेहोश कर देता है और विली और उसकी लड़ाई होने लगती है और धुआं देकर पुलिस वहाँ आकर सबको अरेस्ट कर लेती है। अब डेविड मैग के पास जाता है तो मैग उसे कहती है काश ये सब सपना होता और उसे पूछती है क्या तुम मेरा और सूजन का ख्याल रखोगे। तो डेविड हाँ बोलता है। डेविड और मैग एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और मैग मर जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ डेविड अपने पास से डरा हुआ होता है और नदी किनारे जाता है जहाँ उसे मैग की परछाई दिखाई देती है और वो उसे याद करता है और सोचता है कि वो मैग को नहीं बचा पाता है लेकिन मैग ने उसे सिखाया कि लास्ट में जो करते हैं वही मायने रखता है। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।